आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए कुछ खबरें, इस राज्य में स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को सरकार देगी 1500 रुपए की मदद। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अगर आप भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक, तो आज आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में बढ़ने वाले हैं टोल प्लाजा के रेट, आखिर कितने बढ़ेंगे ये रेट, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। राजधानी दिल्ली में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं आदेश। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए फिलहाल सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अगले निर्देशों तक दिल्ली में स्कूलों को बंद रखा जाएगा, हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी। बता दें आपको कि राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का आदेश यहाँ पर दे दिया गया था। अब फिलहाल स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अगले आदेश तक इंतजार करने के लिए कहा है। वहीं आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर में प्रदूषण को काबू करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। इससे पहले सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बुधवार को दिशा निर्देश यहां पर जारी किया था, जिसके तहत शहर में गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात में स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार किसानों को देगी 1500 रुपए की मदद। गुजरात सरकार ने राज्य में किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1500 रुपए की वित्तीय मदद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना का मकसद किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में जब डिजिटल सेवा का प्रचलन बढ़ रहा है तो वह ऐसे समय में इसका उपयोग कृषि आय को बढ़ाने में कर सके। वही राज्य कृषि एवं किसान कल्याण सहकारिता विभाग की ओर से शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की कुल लागत का 10% की सहायता के लिए जो राशि आई खेत दूत जो वेबसाइट है उसके ऊपर आवेदन कर सकता है। वही सूचना में बताया गया है कि यह सहायता केवल स्मार्टफोन के लिए ही उपलब्ध है, इससे जुड़े उपकरण जैसे कि पावर बैंक उपकरण, ईयरफोन, चार्जर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। जिस किसान के पास जमीन है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है, लेकिन एक संयुक्त फॉर्म में केवल एक लाभार्थी को ये सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वह स्मार्टफोन से किसान के लिए मौसम का पूर्वानुमान, संभावित कीट संक्रमण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकी और विशेषज्ञों की राय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना किसानों के लिए आसान हो जाएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि स्मार्टफोन का उपयोग किसानों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में अंत्योदय कार्ड धारक सावधान, अब गोल्डन कार्ड के बिना नहीं मिलेगा आपको मुफ्त गेहूं और चावल। यूपी में फ्री राशन लेने के लिए नियम बदल गया है। वही मुफ्त राशन लेने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों की मुश्किलें बन गई है, अब उन्हें मुफ्त राशन के लिए गोल्डन कार्ड की जरूरत होगी। अगर अंत्योदय कार्ड धारक ने गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है तो उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। वही सरकार की तरफ से सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इस मामले में जिला आपूर्ति ऑफिस को निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि इस काम के लिए यहाँ पर DSO ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को यहाँ पर काम पर लगा दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज भी कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई है। पिछले महीने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद इस महीने कीमतें हैं वो स्तर बनी हुई है। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 103 रुपए से 54 पैसा प्रति लीटर है। वही डीजल यहाँ पर 86 रुपए से 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वही सरकार ने दिवाली के एक दिन पहले पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए वैट गिराने का ऐलान किया था। इसके बाद लगभग कीमतें यहां पर सरकार के ऐलान के बाद यहां पर ईंधन के जो दाम है वो लगातार स्तर बने हुए हैं। बताते आपको कि यूपी के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से भी कम मिल रहा है। ये कटौती केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के साथ ही यहाँ पर गिरावट आई है। साथ ही कई राज्यों में राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कीमतों में कमी की है, जैसे कि यूपी में पेट्रोल में यहाँ पर यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 12-12 रुपए यहाँ पर कटौती की है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए और 57 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 86 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में 109 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो डीजल यहाँ पर 4 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर के आसपास मिल रहा है।
वही चेन्नई में पेट्रोल 101.40 रुपए, इसके अलावा डीजल यहाँ पर 1.63 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर मिल रहा है। वही राजस्थान के गंगानगर में 114.01 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा है, तो 98.39 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर डीजल राजस्थान में मिल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा के लोगों का अब सफर होगा महंगा, टोल टैक्स में हुई है 1 रुपए की बढ़ोतरी। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में दिसंबर 2020 से ही टोल प्लाजा बंद है। वही वहाँ नेशनल हाईवे 44 से बिना टोल टैक्स के ही गुजर रहे थे। टोल की वसूली न होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को करीब 550 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वह अकेले पानीपत जलंधर रोड पर स्थित 3 टोल प्लाजा को रोजाना 1 करोड़ से अधिक का राजस्व यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। वही लोकसभा में यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसी साल किसान आंदोलन के कारण यहाँ पर NHAI को 3500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने की बात यहाँ पर कही थी। वही देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की और किसानों से घर लौटने का ऐलान किया। वही प्रधानमंत्री मोदी की योजना के बाद करीब 1 साल से बंद टोल प्लाजा को खोलने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी हरियाणा में लगभग सभी टोल प्लाजा पर किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। वह हरियाणा के भीतर जैसे ही यहाँ पर टोल प्लाजा खुलेंगे, लोगों को अधिक टोल टैक्स यहाँ पर देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि NHAI ने टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। गौरतलब है कि नई दरें हरियाणा के भीतर सितंबर 2021 से ही लागू होनी थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते नई दरें लागू नहीं हो सकी थी। बात करते हैं अगली खबर की, तब एक कॉल पर आप निपटा सकते हैं बैंक के कई काम, SBI दे रहा है ये सुविधा। इंटरनेट ने समूची दुनिया को आपके मोबाइल फोन में समेट के रख दिया है। आप ऐसे में तमाम काम घर बैठे चुटकियों में निपटा सकते हैं, जिसके लिए पहले काफी समय और यहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ता था। भाई बैंकिंग की दुनिया में भी आपकी जेब में यहाँ पर जो बैंकिंग की दुनिया वो भी यहाँ पर सिमट आई है। भाई ऑनलाइन सिस्टम से जहाँ ग्राहकों को फायदा हुआ है, वही बैंकों पर काम का बोझ भी कम हुआ है। भाई देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल पर ही कई सर्विस यहाँ पर शुरू की है। अब ग्राहक घर बैठे ही एक फोन कॉल करके कई तरह की सुविधा का यहाँ पर जो फायदा वगैरह है वो उठा सकते हैं। वही फोन कॉल सर्विस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर 1800-1234 भी यहाँ पर जारी किया है। वही SBI की फोन कॉल सर्विस से आप घर बैठे ही कई तरह की सुविधा का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-1234 पर कॉल करके आप बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। आप अपनी पिछली 5 ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर पर आप मैसेज करके अपने फोन मतलब इस नंबर पर आप मैसेज करके भी अपने बैंक खाते का बैलेंस वितरण हासिल कर सकते हैं। भाई टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप ATM कार्ड फिर से इश्यू भी करवा सकते हैं, या फिर वर्तमान में ATM कार्ड को जो वर्तमान में आपका ATM कार्ड है उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं। इस नंबर की मदद से आप ATM का पिन भी यहाँ पर जो पिन नंबर है वो भी तैयार कर सकते हैं। वही ATM कार्ड ब्लॉक कराए जाने के बाद भी यहाँ पर ATM कार्ड के लिए आप इसी नंबर की मदद से यहाँ पर जो ATM कार्ड है मतलब लेने के बाद नए ATM के लिए इसी नंबर से आप यहाँ पर नए ATM की बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। SBI का कहना है कि इस कॉल सर्विस से ग्राहकों को किसी के संपर्क में आए बिना बैंकों के काम निपटाने में सहूलियत यहाँ पर मिलेगी। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि बैंक ग्राहक धोखाधड़ी को लेकर सतर्क रहे। SBI ने कहा है कि किसी भी यहाँ पर किसी से भी अपनी बैंक डिटेल्स ATM UPI पिन शेयर ना करें। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह या फिर उसके कर्मचारी कभी भी आपसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी नहीं मांगते हैं। वही बैंक OTP भी नहीं मांगता है, ना ही आपको फोन या फिर SMS या फिर ईमेल के जरिए किसी भी अन्य लिंक पर क्लिक करने को कहता है। दरअसल कई बार गिफ्ट के चक्कर में लोग फर्जी लिंक पर क्लिक कर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को समय समय पर ठग लोगों से सावधान रहने की चेतावनी स्टेट बैंक यहां पर जारी करता रहता है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में हराया, 3-0 से किया है क्लीन स्वीप। रोहित शर्मा बतौर कप्तान शानदार आगाज यहाँ पर रोहित शर्मा ने किया है। वही टीम इंडिया ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया। वैसी तरह टीम ने सीरीज में 3-0 से यहाँ पर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। वही मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन का विशाल लक्ष्य यहाँ पर रखा। वही रोहित ने शानदार 56 रन की पारी खेली, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 111 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने 9 रन देकर 3 विकेट लिए। वही दोनों टीमों के बीच 25 नवंबर को 2 मैचों को मतलब टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर 25 नवंबर से शुरू होगी। वही भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरी T20 में यहाँ पर न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप यहाँ पर किया। इससे पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में उसी के घर में 5 मैचों की सीरीज में 5-0 से हराया था। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की यहाँ पर शुरुआत बहुत कमजोर रही। वही यहाँ पर पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद टीम 2 ओवर में 21 रन यहाँ पर टीम ने बना लिए थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने तीसरे ओवर की पहली गेंद में डेरिल मिचेल को आउट किया। उसके बाद में छठी गेंद पर
मार्क चैपमैन को यहाँ पर आउट कर विराट की टीम को जोरदार दो झटके दिए। वह उन्होंने अगले ही ओवर में ग्रीन फ्लिक्स को भी बोल्ड करके टीम में यहाँ पर टीम को यहाँ पर मैच में काफी आगे यहाँ पर कर दिया। वह उन्होंने T20 इंटरनेशनल में दूसरी बार ये 3 विकेट यहाँ पर लिए है। वही न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टन ने 8 शतक लगाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने 36 गेंद पर 51 रन बनाए। इसी तरह भारत ने यहाँ पर जीत इस मैच में दर्ज कर ली है। वही रोहित शर्मा ने इस मैच में सबसे ज्यादा 56 रन यहाँ पर बनाए। वही सैयद सर ने 25 और वेंकटेश अय्यर ने 20 रन की यहाँ पर सरदारी आंदोलन और 36 रन की सरदारी की। हर्षल पटेल ने 18 रन बनाए। इसके अलावा दीपक चाहर ने भी 21 रन पर यहाँ पर दीपक चाहर भी नाबाद रहे।